क्या 2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी को संसद की सदस्यता वापस मिल जाएगी? और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी ही राहुल गांधी को संसद की सदस्यता दिलवाएगी? देखिए, सीधे सीधे तौर पर जो स्थिति इस वक्त की बन रही है वो ये जाहिर तौर पर बता रही कि राहुल गांधी को संसद सदस्यता दिलवाने में बीजेपी का एक बड़ा हाथ हो सकता है, क्योंकि मौजूदा समय के अंदर अडानी मुद्दे से जुड़े तमाम फाइलों को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आज धरना दे रही है और सीधे सीधे तौर पर देखा भी जा रहा है कि अभी के वक्त की जो तस्वीर है वो ये जाहिर तौर पर दिखा रही कि अडानी के मुद्दे पर सरकार बहुत बुरी तरीके से फंस गई है। और फंसे भी क्यों ना, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने जो तमाम सबूत दिखाए हैं उन सबूतों को कोर्ट भी खारिज नहीं कर पा रहा है और सत्ता पक्ष भी खारिज नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि इस वक्त की जो स्थिति है वो ये जाहिर तौर पर है कि अगर अडानी का मुद्दा कोर्ट में उठना शुरू हो गया और इस मुद्दे पर सुनवाई शुरू हो गई तो शायद आने वाले वक्त में सरकार की ही मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। वैसे राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि सदस्यता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जानी चाहिए थी, क्योंकि फर्जी डिग्री का जो मुद्दा निकलकर सामने आया और चुनाव आयोग को जिस तरीके से अभी तक उन्होंने गलत जानकारियां दी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि पुलवामा जैसा हमला हो जाता है, घटना घट जाती है, लेकिन सरकार चुप रहती है। इन मुद्दों पर सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिस पर सरकार को, मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता वापस नहीं मिली तो मोदी जी की सदस्यता को भी छीन लिया जाएगा। अब ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी आर पार की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है, लेकिन माना जा रहा है कि अडानी मुद्दा जिस तरीके से उठा हुआ है वो बीजेपी के लिए बेचैनी खड़ा कर रहा है। अब क्या खुद वाकई बीजेपी राहुल गांधी की संसद सदस्यता को वापस दिलवाएगी या पीएम मोदी की संसद सदस्यता छीनने को लेकर जो कांग्रेस पार्टी बात कर रही है वो वही करती नजर आएगी? SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।